बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त भारतीय पंजाब में लावा फट पड़ा है और इमरान खान का लगाया हुआ बीज अब भारत में तनावर दरख्त बन चुका है। पूरा भारत इस वक्त इमरान खान पर तबाह हुआ है और इस सारे के सारे मामले में इमरान खान की खारजा पॉलिसी ने चंद सालों में वो कर दिखाया जो 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सका। भारतीय सिखों को कप्तान की जुबान लग चुकी है और अब चीजें बड़ी वाजे होती जा रही हैं कि किस तरह से कप्तान ने अमन की एक ऐसी मूव की और एक ऐसा अमन का इनिशिएटिव लिया जिसके बाद अब वो बारूदी सुरंग बन चुका है भारत की मोदी सरकार के लिए। ये तमाम तर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन ये समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो एक अजीम लीडर होता है, सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ हुक्मरान नहीं, बल्कि जो लीडर की असल डेफिनेशन पर अगर कोई शख्स उतरता है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको मुट्ठी भर नहीं बल्कि आप उंगलियों पर चंद लोग ही गिन सकेंगे जो लीडर कहलाने का हक रखते हैं। और लीडर की पहचान यही होती है कि उन्हें हमेशा दूर की सूझती है और वो सिर्फ 2-3 साल की पॉलिसी नहीं बनाते बल्कि वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बेशक उसका क्रेडिट उनको ना मिले, लेकिन वो मामला किस तरह से आगे जाता है वो उनके मुल्क को आगे लेकर जाता है। और इमरान खान का अगर आप पूरा कैरियर देख लें, क्रिकेट में आए तो उसने एक इस तरह की लीडरशिप की डेमोंस्ट्रेशन दी कि सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं बल्कि पाकिस्तान की और वर्ल्ड क्रिकेट को एक नई जिहत देकर न्यूट्रल अंपायर लॉन्च करवाया। सियासत में आया तो उसने दो खानदानों का जो एक निजाम बना हुआ था, एक म्यूजिकल चेयर था इकतदार का, वो तोड़कर रख दिया। वजीर आजम बना तो उसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया और पाकिस्तान में वो रिफॉर्म्स आ रही हैं। पाकिस्तान उस डगर पर चल निकला था जो हकीकी मानों में पाकिस्तान को हकीकी आजादी से हम किनार करता है, जो कि 75 सालों में किसी ने पाकिस्तान के बारे में सोचा नहीं था। भारत से ताल्लुकात की बात आई तो उसूली मौकफ पर डट गया और ऐसा डटा कि फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसे उसके दौरे हुकूमत में कश्मीर फरोश कहने वालों ने आते साथ भारत से तिजारत कर ली, लेट गए आलमी ताकतों के आगे, लेकिन खान डटा रहा। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त कुछ चीजें आपने समझ लेनी है कि पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से जो चैलेंजेस हैं। इससे पहले जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की हुकूमत थी उस वक्त टीटीपी को फुल फ्लैज आजादी थी और जो इनके कौंसल खाने थे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। और इसके साथ ही साथ भारत ने जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी खुफिया एजेंसियों ने की, और कलभूषण उसकी वाजे मिसाल है, जिसने इतराफ जुर्म किया वो बलूचिस्तान है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू की हुई है। और चले मान लेते हैं, और सच भी है, उसे तस्लीम भी करना चाहिए कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर। और इस सब के लिए एक हल तो ये है कि पाकिस्तान भी कोई ऐसी हरकत करे। अगरचे भारत मकबूजा वादी में एक असल आजादी की तहरीक है उसे पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान उसके पीछे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ उनकी अखलाकी और सफारती मदद जारी रखे हुए है। लेकिन एक तो हल ये है कि जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं पाकिस्तान वैसी ही कोई घटिया हरकत इनके मुल्क के अंदर कर दे। लेकिन इमरान खान ने एक ऐसी गुगली खेली और वो भी अमन की ऐसी बॉल करवाई कि मोदी सरकार खुद शशतर रह गई और वो अभी सोचते होंगे कि कप्तान ने कर क्या दिया है। देखें, इस वक्त सिख बिरादरी भारत की एक डिफॉल्ट लाइन है, इसे भारत एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि सिखों के साथ जो कुछ माजी में हुआ वो इसकी वजह बना। आजादी के वक्त इन्हें कहा गया कि आपको आजाद रियासत देंगे, वो नहीं दी गई। बाद में पंजाब ही को तकसीम कर दिया गया और उसके बाद गोल्डन टेंपल का जो हुआ सबको पता है। इन चीजों की डिटेल्स में जाना इतना ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन इमरान खान ने इस सिचुएशन में दिल जीता और अमन की एक ऐसी बॉल करवाई कि जिससे अमन का फायदा जो है वो हुआ। इमरान खान ने ये बात की कि सिखों के लिए करतारपुर उतना ही मुकद्दस है जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है।
पाकिस्तान ने सिखों की देरीना ख्वाहिश पूरी करते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोला। मोदी ने इस पर भी बहुत हीले बहाने किए, लेकिन मोदी को यह करना पड़ा और इस मामले के अंदर इन्हें पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पाकिस्तान इमरान खान की ये एक ऐसी गुगली है जिसका पता चंद सालों बाद लगेगा। और भारत में इस सारे मंसूबे को कुछ लोगों ने उस वक्त बारूदी सुरंग भी कहा था और अब ऐसा लग रहा है कि वो गुगली काम कर गई है और आज वो बारूदी सुरंग जिससे मोदी सरकार डरी हुई थी फट गई है और इसका सेहरा भी खुद मोदी के अपने सर जाता है। फार्मर रिफॉर्म्स देख लें जो वहां पर सिखों के साथ किया गया, वो सबके सामने है। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर वो चाबी है जो इंडिया को पाकिस्तान के साथ पीसफुल रहने पर मजबूर करती है। सिखों के पाकिस्तान के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज करने से बाज रख सकते हैं। अब इन सब के अंदर एक सिख पार्लियामेंट ने बयान दिया है जिससे पूरा भारत तिलमिला उठा है। आपको याद होगा उन दिनों भारतीय पंजाब में इमरान खान के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए, वो पूरा दौर सबको याद है। और आज तक सिख बिरादरी जिस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती है, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा, भारतीय पंजाब का एरिया है सिंगरूर, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के मेंबर हैं, उनका नाम है समरनजीत सिंह मान और ये एक बड़े बुजुर्ग रहनुमा है और ये बड़े अहम तरीन पोलिटिकल प्लेयर हैं। उन्होंने खालिस्तान के हक में आवाज उठाई है और ये बड़े अरसे बाद इस तरह का वाकया हुआ है तो ये बड़ी अहम बात है। समरनजीत सिंह सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारत की सरजमीन पर खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं। ये अपनी एक इनकी सिख कम्युनिटी की जमात है, उसके प्रेसिडेंट भी है और ये तीन मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 1989 से 1991 तक, फिर 1999 से 2004 तक और अब 2022 में ये फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया इन पर चढ़ दौड़ा है और यही बातें हो रही हैं कि इन्होंने एक आग लगा दी है, चिंगारी लगा दी है। इन्होंने कहा है कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो साउथ एशिया यानी ये जो हमारा पूरा खित्ता जनूबी एशिया का है, इसमें कभी भी एटमी जंग नहीं होगी। उनके कहने का मतलब है कि इस्लामी पाकिस्तान के पास भी बम है, हिंदू भारत के पास भी एटम बम है, चाइना के पास भी एटमी हथियार है। खालिस्तान एक बफर स्टेट का किरदार अदा करेगा इन तीनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए, यानी ये कोई जंग की बात नहीं कर रहे बल्कि इन्होंने एक मॉडल पेश किया है कि इससे पूरी दुनिया का अमन और बिलखसूस एशिया का अमन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने यह फैसला करना है कि उन्होंने भारत को एक रखना है या नहीं, और अगर वो खालिस्तान को अप्रूव कर देते हैं तो ये फायदा मंद होगा। बहुत बड़ी बात किया इन्होंने। आप सिद्धू मूसे वाले के गाने हैं जमुना लिंक कैनाल पर, अभी उनकी वफात के बाद एक उनका गाना आया है जिसमें बड़ा वाजे हुआ कि उन्हें क्यों हलाक किया गया, मारा गया। भारत में इस गाने को ब्लॉक किया गया है क्योंकि इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे इंतहा पसंद सिख को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो फिर से आ जाएगा और फिर से वो ये सब कुछ कर देगा और हमारे हक पर डाका, हमारे पानियों पर डाका। तो ये सब चीजें इस वक्त उठ खड़ी हुई हैं, जितना मर्जी मोदी सरकार इसे झुटला ले। आज ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो अमन का बीज है वो फल दे रहा है। अब इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी अमन की बात की है, लेकिन अब इनके साथ जो भारत में होगा वो भी आप देख लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।